अजंता और एलोरा की वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज से आपको अजंता और एलोरा की ट्रिप प्लान करने में और इन खूबसूरत केव्स को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी आंखों से एक केव्स देखेंगे तो आपको पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखेंगी, मगर आप समझकर इनका महत्व जानकर इन केव्स को देखेंगे तो यही मूर्तियां आपसे बातें करेंगी, आपको कहानियां और किस्से सुनाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, घड़ी को उल्टा घुमाते हैं और 2300 साल पीछे हमारे साथ अजंता और एलोरा की रोमांचक कहानियों को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर नितांत सुंदर, आकर्षक, जग प्रसिद्ध, मनमोहक और हर एक पर्यटक को अचंभित करने वाली विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलोरा केव्स की। वेरूल या एलोरा गाँव के नजदीक होने के कारण इन सारी केव्स को वेरूल लेनी या एलोरा गुफाएं या एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। एलोरा में टोटल 34 केव्स है। इनमें से पहले 12 केव्स यानी के केव नंबर 1 से केव नंबर 12 तक बुद्धिस्ट केव्स है। एक केव सबसे पहले 6 से 8 सेंचुरी में बनाई गई थी। केव नंबर 13 से केव नंबर 29 यानी के टोटल 17 केव्स हिंदू धर्म को समर्पित है। हिंदू धर्म को समर्पित ये सारे केव्स 8वीं से 10वीं शताब्दी तक बनाई गई। आखिरी के 5 केव्स यानी के केव नंबर 30 से केव नंबर 34 तक जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म को समर्पित ये 5 केव्स 11th एंड 12th सेंचुरी में बनाई गई। दोस्तों, ये सारी केव्स यानी के केव नंबर 1 से केव नंबर 34 लगभग 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैले हुए हैं। इस वीडियो में अगले 15 से 20 मिनट में हम हर एक केव्स की इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किस केव को कितना टाइम देना है इसकी आइडिया आ जाएगी और आपको इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टूर को वेल प्लान्ड और यादगार बनाने में मदद भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केव नंबर 1 एक विहार है। इस विहार में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए 8 रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, ध्यान और अभ्यास करते थे। केव नंबर 1 के बाहर पानी के टैंक की व्यवस्था है। केव नंबर 1 का छत और जमीन एकदम पॉलिश्ड और स्वच्छ है। केव नंबर 2 बाहर से ही आकर्षक लगती है। केव नंबर 2 के बाहर ही बोधिसत्व की मूर्तियां है। राइट साइड में धनपति जाम्बाला की मूर्ति भी है। अंदर गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। केव नंबर 3 भी एक विहार है। यहाँ के स्तंभ एकदम सिंपल है। केव नंबर 4 यह 2 मंजिल की केव है। ऊपर की मंजिल को जाने के लिए 5वीं नंबर की केव से रास्ता बनाया है। बाहरी भाग में चौकोर आकार की एक छोटी सी केव है। इस चौकोर आकार की छोटी सी केव में बुद्ध प्रतिमा और अन्य मूर्तियां है। केव नंबर 5 के बाहर एक सुंदर ब्यूटीफुल वाटरफॉल आपको दिखाई देता है। आप अगर बारिश के दिनों में यहाँ पर आते हैं तो इस वाटरफॉल का नजारा आपको बहुत ही आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध कर देगा। केव नंबर 5 एक बहुत बड़ा विहार है। इसका नाम महान वाड़ा है जो कि महानता का द्योतक है। केव नंबर 5 का बड़ा हॉल 27 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा है जो कि बहुत बड़ा है। इस हॉल का उपयोग शिक्षण और भोजन कक्ष के रूप में किया जाता था। केव नंबर 6 के सामने का भाग गिरा हुआ है। केव नंबर 6 में गर्भगृह में बुद्ध प्रतिमा धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। गर्भगृह के लेफ्ट साइड में तारा देवी और राइट साइड में महामयूरी, इन दोनों की मूर्तियां है। केव नंबर 6 में से ही केव नंबर 9 को जाने के लिए छोटा सा रास्ता है। केव नंबर 9 में तारा, बोधिसत्व और उसके साथ सांप, तलवार और अग्नि की मूर्तियां है।
केव नंबर 6 से नीचे की तरफ जाने के लिए भी एक रास्ता है जो केव नंबर 7 के सामने खुलता है। केव नंबर 7 एक अपूर्ण लीनी है जो कि बंद की हुई है। केव नंबर 7 के ऊपर केव नंबर 6 की केव है और केव नंबर 8 के ऊपर केव नंबर 9 की केव है। केव नंबर 8 भी एक अपूर्ण केव ही है, लेकिन केव नंबर 8 में बोधिसत्व और महामयूरी सरस्वती की मूर्तियां हैं जो कि बहुत सुंदर है। केव नंबर 8 से केव नंबर 10 की तरफ जाते हुए रास्ते में धनपति जंभाला और उसकी पत्नी हरिता, इन दोनों की बड़ी सी मूर्ति हमको दिखाई देती है। केव नंबर 10 बुद्ध धर्मीय केव में ये सबसे अच्छी केव है। ये एक चैत्यगृह है, इसे विश्वकर्मा केव या सुतार झोपड़ी कहते हैं। पहले उत्तर भारत में चैत्य को लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर चैत्यगृह को पत्थर से बनाया गया है। ये पूरी केव एक ही पत्थर में उकेरी गई है। इस चैत्यगृह का पूरा छत पत्थर का है, लेकिन ये लकड़ी का है ऐसा हमको लगता है, इसलिए इस केव को सुतार झोपड़ी कहते हैं। सुतार झोपड़ी यानी कारपेंटर्स केव। इस चैत्यगृह में एक स्तूप है और स्तूप के सामने भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा है। इस केव की विशेषता ये है कि लाइट के लिए यहाँ पर एक खिड़की छोड़ी गई है और हर साल में एक विशिष्ट दिन में इस खिड़की से प्रकाश किरण सीधे बुद्ध मूर्ति के चेहरे पर आकर गिरते हैं। केव नंबर 11 इसे द्विताल केव कहते हैं। जब ये केव खोजी गई थी तब इसके दो ही मंजिलें दिखाई देती थी, इसलिए इसे द्विताल यानी के दो तल वाली ऐसे कहते थे, लेकिन अब मौजूदा समय में यह 3 मंजिला केव है। केव नंबर 13 इसे 3 ताल लेनी कहते हैं। यह 3 मंजिला केव है। इसके तीसरे माले पर बहुत ही सुंदर 7 बोधिसत्व की मूर्तियां और 7 तारा की मूर्तियां हमको दिखाई देती है। ये बोधिसत्व की 7 मूर्तियां और तारा देवी की मूर्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और आश्चर्यकारक लगती है। केव नंबर 13 एक खाली केव है जो कि इन्हें बनाने वाले का शायद निवास स्थान हुआ करता था। केव नंबर 14 इसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। इस केव के बाहरी पानी का टैंक है। इस केव में 16 पिलर्स है। इस केव में चारों तरफ अनेक मूर्तियां हैं, जिसमें एकासुर वध, रावण अनुग्रह, शिव नृत्य, सप्त मातृका, दुर्गा देवी, गजलक्ष्मी, महिषासुर मर्दिनी, श्री गणेश जी, वराह मूर्ति आदि अनेक सुंदर सुंदर मूर्तियां और उनकी कथाएं उकेरी गई है। केव नंबर 15 यह एक बहुत ही सुंदर केव है। इसे दशावतार केव कहते हैं। अनेक सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊंचाई पर यह केव बनी हुई है। सामने ही रंग मंडप या नंदी मंडप दिखाई देता है और दूसरे माले पर विष्णु की दशावतार की मूर्तियां और शिवजी की भी अनेक मूर्तियां यहां पर उकेरी गई है। केव नंबर 16 इसे कैलाश गुफा कहते हैं। अब आप दुनिया के एक महानतम कलाकृति के सामने आए हुए है। कैलाश केव एक अप्रतिम, अवर्णनीय, नितांत सुंदर केव है। यह केव विश्व के सबसे सुंदर आविष्कारों में से एक है। यह केव शिल्पकला का अद्वितीय अद्भुत नमूना है। पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर एक ही पत्थर में इतना बड़ा शिव मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इस कैलाश गुफा में अनगिनत शिल्प प्रतिमा और अनेक कथाएं उकेरी गए है। रामायण और महाभारत दीवारों पर शिल्पकृत किया गया है। कैलाश केव एक सुंदर सा शिव मंदिर भी है। इस मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, नंदी मंडप, गोपुरम आदि सारी मंदिर की विशेषताएं शिवलिंग के साथ मौजूद है। शिव मंदिर के बाजू में अनेक गुफाएं और यज्ञ मंडप भी मौजूद है। इस कैलाश केव को हम ऊपर से भी देख सकते हैं। ऊपर से देखते वक्त इस मंदिर का एकदम सुंदर दृश्य हमको दिखाई देता है। कैलाश मंदिर के ऊपर के भाग में 16A और 16B ये दोनों छोटी छोटी केव्स मौजूद है। कैलाश मंदिर को देखने के बाद हम इस पुल के ऊपर से केव नंबर 17 की तरफ जाते हैं। केव नंबर 17 इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां उकेरी गई है।
केव नंबर 18 एक छोटी सी केव है और इसके गर्भगृह में शिवलिंग और अन्य मूर्तियां हैं। केव नंबर 19 ये भी एक छोटी सी केव है और इसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। केव नंबर 20 ये एक छोटी सी केव है और इसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। केव नंबर 21 इसे रामेश्वर केव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊंचाई पर नंदी विराजमान है। गंगा जी और यमुना जी की सुंदर मूर्तियाँ और अन्य अनेक मूर्तियाँ यहाँ पर उकेरी गई है। केव नंबर 22 इसे नीलकंठ केव के नाम से जाना जाता है। केव नंबर 23 यहाँ पर एक गर्भगृह है। केव नंबर 23 के आगे ही थोड़ा सा ऊपर जाने पर हमको केव नंबर 24 मिलती है। केव नंबर 24 में एक गर्भगृह है। गणेश केव और जगेश्वरी केव। केव नंबर 24 से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर गणेश केव और जोगेश्वरी केव के पास जाता है। आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो ही आप इन्हें देखने जाएं। केव नंबर 25 इस केव में सूर्य की विशाल मूर्ति हमको दिखती है। सूरज के रथ को 7 घोड़े भी हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। केव नंबर 26 यह केव नंबर 21 की तरह रामेश्वर केव की तरह ही लगती है। इस केव में बड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर टैंक मौजूद है। केव नंबर 27 यहाँ पर हलधर बलराम और श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हमको दिखाई देती है। शेषशायी नारायण, वराह अवतार और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियाँ हमको दिखाई देती है। केव नंबर 27 के आगे हमको एक सुंदर सा वाटरफॉल दिखाई देता है। बारिश के दिनों में यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। बारिश के दिनों में केव नंबर 27 से केव नंबर 29 की तरफ जाने वाला रास्ता बंद किया जाता है क्योंकि इस पूरे रास्ते में पानी भर जाता है। केव नंबर 27 से केव नंबर 29 के बीच में वाटरफॉल के एकदम नीचे एक छोटी सी केव नंबर 28 मौजूद है। बारिश के दिनों में 7 से 8 महीने रास्ता बंद होने के कारण यह केव नंबर 28 हमको बहुत कम समय तक दिखाई देती है।
केव नंबर 29। इसे सीता नहानी या सीताज बात के नाम से जाना जाता है। यह केव तीन साइड से ओपन है। केव नंबर 27 से ऊपर हम डायरेक्ट केव नंबर 29 में आ सकते हैं। केव नंबर 29 में बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमको दिखाई देती है। यहाँ की प्रतिमाएं हमको मुंबई के एलिफंटा या घारापुरी की केव के समान दिखाई देती है। यहाँ पर एक बड़ा सा शिवलिंग और यज्ञकुंड मौजूद है। केव नंबर 29 से केव नंबर 30 की तरफ जाते हुए आपको दो रास्ते मिलेंगे। राइट साइड वाला रास्ता आपको पैदल जाने के लिए, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट वाले सड़क के रास्ते से जाना होता है। केव नंबर 30, इसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। केव नंबर 16 के तरह ही इसे बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह केव अपूर्ण है। केव नंबर 30 यानी कि छोटा कैलाश में भगवान महावीर की मूर्तियां आपको दिखाई देती है। केव नंबर 31, यह है एक छोटी सी जैन केव है। इसमें भगवान महावीर की अनेक मूर्तियां हमको दिखाई देती है। केव नंबर 32, इस केव को इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर केव है। इंद्रसभा एक दो मंजिला केव है। इस केव में भगवान महावीर, बाहुबली, 24 तीर्थंकर, गोमटेश्वर आदि मूर्तियां हमको दिखाई देती है। इस केव के सेकंड फ्लोर पर हमें इंद्र मूर्ति भी दिखाई देती है, इसलिए इस केव को इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है। केव नंबर 32 में से ही हम केव नंबर 33 के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर अंदर से भी एक रास्ता बनाया गया है। केव नंबर 32 शिल्प कला का एक अति उत्कृष्ट नमूना है। केव नंबर 33, यह भी एक दो मंजिला केव है। इस केव में इंद्र और भगवान महावीर की अनेक मूर्तियां हमको दिखाई देती है। केव नंबर 33 में हमको चित्रकारी के अनेक अवशेष भी दिखाई देते हैं, जो आज भी अच्छी स्थिति में है। केव नंबर 34, केव नंबर 34 एक जैन केव है और एक अपूर्ण केव है। इसमें भगवान महावीर की अनेक मूर्तियां हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों, एलोरा में ये 34 केव्स मौजूद है। आपको ये सारी केव्स अच्छी तरह से देखने में पूरा दिन लग सकता है। आप अपने समय के अनुसार एलोरा केव्स के ट्रिप का प्लान करें। इस वीडियो से आपको ट्रिप प्लान करने में जरूर मदद मिलेगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अजंता एलोरा सीरीज की डिटेल में अन्य वीडियो देखने के लिए अपने घूमियो झुमियो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।